ये जनता की अदालत जो मूवी है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट है। दुकानदार से सामान तो वापस नहीं करता है। कैसे हो आप सब भाई बच्चे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है दोस्तों आज के न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही लेजेंड होने वाला है क्योंकि आज के ब्लॉग में हम इसी फिल्म की कड़ी में से जुड़ते हुए एक नए कॉमेडियन स्टार से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है रत्नेश बर्नवाल। रत्नेश बर्नवाल जी को आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर अच्छे खासे कॉमेडियन वीडियो बनाते हैं, तो आज इसी कड़ी में हम आज चलते हैं खलीलाबाद में। जनता की अदालत फिल्म की शूटिंग हो रही है, उसी कड़ी को जोड़ते हुए हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि अवधेश मिश्रा से मिलवाया था, तो आज मैं रत्नेश बर्नवाल जी से आपको मिलवाने वाला हूं। तो देखते चलिए, बातें करते हैं उनसे, मुलाकात करते हैं, मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती है, बने रहेगा मेरे साथ और देखिएगा क्या क्या आगे होने वाला है। मैं हूं दुर्गेश सोनी और आप देख रहे हैं चंदन सोनी आर्ट चैनल। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के आल पे सेट कर दो जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये फिल्म दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये फिल्म जो है खलीलाबाद के संत कवि नगर डिस्ट्रिक्ट में शूटिंग हो रही है। चलिए चलते हैं, ये यहाँ की कचहरी है, देख सकते हैं आप लोग की कचहरी में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और हम आ गए हैं उसी जगह पर जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कितना भीड़ यहाँ पर है। चलिए अंदर चलते हैं, मुलाकात करते हैं रत्नेश बर्नवाल जी से और देखते हैं बातचीत उनसे करते हैं, बातचीत में कैसे वो बातचीत करते हैं, किस तरह से वो कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। चलिए चलते हैं खलीलाबाद संत कवि नगर जिले में जहाँ पर रत्नेश बर्नवाल जी यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और आप लोग जानते होंगे यूट्यूब में ये बहुत अच्छा कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो आज उन्हीं से मुलाकात करते हैं और बात भी करते हैं। नमस्ते सर, मैं चंदन सोनी आर्ट और हमारे दर्शकों से आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, कुछ कह दीजिए। दर्शकों से कहेंगे भैया इनका चैनल है चंदन सोनी आर्ट, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा घंटी जोर दबाइएगा ताकि। सर इस फिल्म में कैसा कौन सा रोल आपको मिला है? फिल्म में बना हूँ मतलब एक ग्राहक रहता हूँ मैं, दुकानदार से सामान तो वापस नहीं करता है, उसके बारे में उसी में। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अपने जी आपको, बहुत बहुत जिससे मिल लिया और फिल्म में थोड़ी सी हमको भी सीन मिली है। यहाँ पर इंट्रो हो गया है और चल रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भोजन बना हुआ है यार, काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कलाकार बंधु हैं यहाँ पर खड़े हैं और अभी भोजन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी ब्लॉग आपको कंटिन्यू करते हैं। देखा कि रत्नेश बर्नवाल जी से हमने मुलाकात कर ली और मुलाकात करने के बाद इस फिल्म में जो है बहुत सारे वकील और एडवोकेट बने हुए हैं, तो उन वकील से मुलाकात करवाते हैं क्योंकि मैं कैसा आपको लग रहा है। देखिए ये हमारे साथ बहुत सारे हैं। हेलो हेलो हेलो, तो कैसा लग रहा है आपको इस फिल्म में जो है जो किरदार आप निभाए हैं, जो किरदार मिला है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत गुडविल लगा है। ये जनता की अदालत जो मूवी है बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट है। अच्छा कहाँ पे बन रहा है ये फिल्म? फिल्म बन रहा है जिला सत्र न्यायालय खलीलाबाद जी, संत कवि नगर। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, पहली बार जो है जो फिल्म में काम करने का अवसर मिल रहा है? अच्छा तो लगेगा ही, जो चीज़ अच्छा हुआ आजीवन ही अच्छा लगेगा। देखा आप लोगों ने किस तरह से रत्नेश बर्नवाल जी से हमने मिल लिया और मिल करके काफ़ी खुशी है। इतने छोटे थे कि हम बैठ करके उनकी वीडियो बना रहे थे, तब जा करके हमारे वो लेवल में आ रहे थे। मुलाकात की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं इससे भी लेटेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सबक है।